आज कैशबुक का पहला क्वेश्चन करते हैं, जो बुक में आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो आपकी जारत की बुक है उसमें सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसको ट्राई करते हैं। नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ दे दिया है, और ये क्वेश्चन कोशिश मैं करूंगा स्क्रीन में राइट साइड में डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, तो वहां भी आप देख पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैशबुक ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिवीजन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंट्रीज होती है, यहाँ डिवीजन लिख देते हैं बिल्डिंग डिवीजन, ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिवीजन, ओके, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2017। तो यहां पे मंथ होता है ऊपर, जो कि आप दिसंबर 2017 दिसंबर के लिए बना रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहां क्या लिखोगे, 1 दिसंबर 1/12, ठीक है, दिसंबर हो गया 1/12 2/12, इस तरह से एंट्रीज होंगी, ओके जी। एंड क्लोज द कैश बुक गिवन एन एनालिसिस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का एनालिसिस देना है किस किस साइड में पैसा बचा हुआ है। ऑल्सो रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको पूरा दिखाना है, सर्टिफिकेट देना है, डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, वो सारी चीजें। पूरे क्वेश्चन में कई सारी एंट्रीज एक साथ आएंगी, लाइक ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इंटरेस्ट होगा या टेम्परेरी एडवांस होगा या कोई चेक डिसऑनर होगा, व्हाटएवर इट इज, सारी चीजें एक साथ आएंगी आपको। तो स्टेप बाय स्टेप आप हर क्वेश्चन में वही चीज करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद भी हो जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस हम यहां निकालेंगे, एक हमने वर्किंग शीट बना ली, बोर्ड की मैंने दो पोर्शन कर दिए क्योंकि कैशबुक बहुत बड़ी बनेगी आपकी, तो कैशबुक मैं यहां तक मेंटेन करूंगा। ये वर्किंग शीट मैंने रफ शीट बनाई है आपके लिए कि आपके नोट्स एंड क्वाइंस जो है वो सब चेक आपके पास आया, डीडी आपके पास है, तो वर्किंग शीट जो है जो कैश बॉक्स की तरह ट्रीट होता है उसकी मैंने एक अलग से शीट बना दी। तो दो पोर्शन हो गए बोर्ड के, मेन कैशबुक यहां लिखेंगे और वर्किंग नोट यहां पे बना लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस आपको निकालना है वो यहां पे लिखते हैं हम लोग डैश करके, टू ओपनिंग बैलेंस, और यहां पे लिखेंगे 4 नंबर में ओपनिंग बैलेंस। हमेशा ये एडवाइजेबल है कि ओपनिंग बैलेंस को पेंसिल से लिखो, बाद में रब करके जब और कोई हिडन एंट्री ना मिले तो आप उसको रब करके फाइनली पेन से रिकॉर्ड कर देना। इनिशियली पहले आप जो है इसको पेंसिल से ही लिखना, और जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो हम यहाँ पे वर्किंग शीट में करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, डेट आएगी, डेट में आप ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हो 1/12 में, डेट आ गई 1/12 की। नेक्स्ट इसमें आपको दिया है नोट्स एंड क्वाइंस, नोट्स एंड क्वाइंस इंक्लूडिंग काउंटरफिट नोट्स 25 रुपीज के, टोटल 325 का आपका नोट्स एंड क्वाइंस है, जिसमें काउंटरफिट नोट्स है जो हमें नहीं लेना है, माइनस करना है, वो 25 के हैं। तो नोट्स एंड क्वाइंस पहली एंट्री हो जाएगी आपकी, नोट्स एंड क्वाइंस 300, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है सर्विस पोस्ट स्टैम्प, नहीं लेना है आपको। देन उसके बाद 5 रेवेन्यू स्टैम्प है, 1 रुपए ईच के, तो रेवेन्यू स्टैम्प आप लोगे, रेवेन्यू स्टैम्प लोगे 5 रुपए के, वो भी इक्विवेलेंट टू कैश होता है। देन उसके बाद डिपॉजिट एट कॉल रिसीट DACR आपको लेनी है, नॉर्मल डिपॉजिट रिसीट नहीं लेते हैं हम लोग, तो DACR आपका 1000 का है, वो भी लिख लो आप, राइट। और कुछ है रिफंड ऑफ फेस्टिवल एडवांस, रिफंड हमेशा लेना है आपको, रेगुलर स्टाफ का जो रिफंड आता है वो लेना है, अनडिसबर्ज होता है रेगुलर स्टाफ का वो हम नहीं लेते हैं। तो रिफंड है फेस्टिवल एडवांस का 100 रुपीज, वो भी ले लो, फेस्टिवल एडवांस आपके पास आया है रिफंड 100 रुपीज, वो भी आप ले लेंगे। डिमांड ड्राफ्ट ऑन यूको बैंक रिसीव्ड इन पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज ऑफ लाइसेंस फीस ऑफ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, गवर्नमेंट ड्यूज का आपके पास चेक आया, DDI, DACR आया है, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं ओपनिंग बैलेंस में लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट ड्यूज का पैसा है 500 रुपीज, ये आपको लेना DD, ओके जी। तो यहां हो गया एक DD आपके पास, अभी आपके पास आके रखा हुआ है पिछले महीने, इसको आपको क्या करना है बैंक में रेमिट करना है, बैंक में जमा करना है, तो आपके बैलेंस में बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। तो DD आपके पास आया हुआ है, DD आपका 500 रुपीज का, तो ये ओपनिंग बैलेंस का पार्ट बनेगा, ले लिया जी हमने। देन उसके बाद टेम्परेरी एडवांस और इंटरेस्ट हमेशा लेने हैं, टेम्परेरी एडवांस गिवन टू ओवरसीयर फॉर मस्टर और पेमेंट 200 रुपीज, तो टेम्परेरी एडवांस किसको दिया है उसका नाम लिख लेंगे, टेम्परेरी एडवांस ओवरसीयर, ओके, और ये 200 रुपीज आपने इसको दे रखे हैं, ये पेमेंट करेगा। टेम्परेरी एडवांस मैंने आपको बताया था वन टाइम होता है, जैसे ही वाउचर ला के देगा आपको इसको सेटल कर देना है, एंट्रीज कर देनी कैशबुक में और क्लोज कर देना है, और एक रिमार्क एंट्री क्लोजर की बना देनी, राइट। चलो जी, ये तो हो गया ओपनिंग बैलेंस आपके पास, अभी रफ ओपनिंग बैलेंस आपके पास इतना ही है, तो ये टोटल कर लो आप और पेंसिल से यहां पे लिख दो, अगर कोई हिडन एंट्री मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर पेंसिल कन्वर्ट कर देना इसको, तो रबर पेंसिल सब आप ले जाना, ओपनिंग बैलेंस जो अभी तक मिल गया उसी से काम चलाते हुए हम कर सकते हैं। चलो जी, ओपनिंग बैलेंस ये आपका हो गया 2105, यहां लिख देता हूं मैं सबका टोटल, इन सबका टोटल ओपनिंग बैलेंस 2105, राइट। अब डे वाइज एंट्री करेंगे इसमें, जो भी एंट्रीज होती है वो देखते हैं।
6 तारीख की एंट्री इसमें ड्यू चेक इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रेक्टर टी फॉर एक आर एबिल पे किया है कॉन्ट्रेक्टर टी को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर्स। तो एक काम हुआ है आर एबिल का, मैंने आपको आर एबिल की एंट्रीज बताई थी, लाइक ग्रॉस अमाउंट निकालेंगे, फिर 8A की रिकवरी 8B की रिकवरी निकालेंगे, माइनस करके चेक अमाउंट निकालेंगे। 8B की रिकवरी हम 9th कॉलम में लिखेंगे और बाइफर्केशन 4th कॉलम में लिखेंगे, उसी तरह से करना है। तो इसमें वैल्यू वर्कन दिया है, आप छोटा सा इसमें वर्किंग नोट बना सकते हो कहीं रफ पे, ठीक है मैं यही बना देता हूँ। तो इसमें आपको 6-12 की जो एंट्री है, फिर हम इसमें कैश बुक में एंट्री करेंगे। इसमें वर्क डन है आपका, वर्क डन है आपके पास 4000, एस्टिमेट से हमें कोई मतलब नहीं है, वर्क डन देखना आपको, एस्टिमेट दिया 1,30,000 का, उससे कोई मतलब नहीं। देन रिकवरीज में सिक्योरिटी डिपॉजिट 8A और 8B की रिकवरीज है, ये भी आप शो कर देना वर्किंग शीट में कहीं आगे नेक्स्ट पेज पे। सिक्योरिटी डिपॉजिट है 600, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका हो जाएगा 600, 8B की रिकवरी है। देन वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड डिपार्टमेंटली, जो मटेरियल सप्लाई किया 8A की रिकवरी होती है, दैट इज 200। हायर चार्जेस ऑफ कंक्रीट मिक्सचर, ये आपका होता है 8B की रिकवरी, तो हायर चार्जेस, ठीक है जी, कंक्रीट मिक्सचर का ये हो गया 100 रुपीज, ओके। देन वैल्यू ऑफ टूल्स लॉस्ट, कुछ टूल्स जो थे वो लॉस्ट हो गए, तो आपको उसकी बुक वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था सुपरविजन चार्जेस 10% एक्स्ट्रा लेते हैं, नॉर्मल अमाउंट दिया है तो इसका मतलब उसमें इंक्लूडेड होता है, लेकिन अगर बुक वैल्यू दे रखी है तो आपको अलग से दिखाना है। टूल्स लॉस्ट हुए तो वो भी क्या इसमें आएगा, बुक वैल्यू उसकी दे रखी है तो ये आपका टूल्स लॉस्ट दे दो, या TNP दिखा दो आप, टूल्स एंड प्लांट्स, टूल्स एंड प्लांट्स 10 रुपए के लॉस्ट हो गए, इसकी एंट्री कर देंगे। और इसके साथ ही जब इसकी बुक वैल्यू दी है तो इसमें एक सुपरविजन चार्जेस और कटता है, सुपरविजन चार्जेस 10%, इसका 10%, ठीक है जी। तो ये टोटल आपकी रिकवरीज हो गई, इनका टोटल कर दो और ग्रॉस अमाउंट में से माइनस कर दोगे तो चेक अमाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। ये कितना हो गया आपका 7,111, इसमें से माइनस कर दो दोनों चीजें तो चेक अमाउंट आ जाएगा, जो ग्रॉस अमाउंट है आपका वर्क डन है उसमें से दोनों माइनस करेंगे तो आपका चेक अमाउंट आ जाएगा। और चेक अमाउंट हमें लिखना है 11 नंबर में, देखते हैं, चलो जी, चेक अमाउंट आपका आ गया 3089। आरए बिल या सैलरी बिल की कोई भी एंट्री यहां पे नहीं होगी वर्किंग शीट में, ध्यान रखना। सर्विस पोस्ट सिस्टम खरीदेंगे कोई एंट्री नहीं होगी यहां पे, क्लियर। यहां से जो कैश पेमेंट करोगे उसी की एंट्री होगी, कुछ कैश आपके पास आएगा उसी की एंट्री होगी, कैश का मतलब DD आ सकता है, चेक आ सकता है, वो सब एंट्री यहां पे होगी, जो इनकमिंग है वो सब होगी। खर्चे में सिर्फ कैश की एंट्री होगी, जो कैश आप माइनस करते जाओगे यहां से, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। कोई चेक काटेंगे तो यहां से काटेंगे, उसकी एंट्री वर्किंग शीट में नहीं होगी, ये जस्ट लाइक कैश बॉक्स है आपका, क्लियर। और चेक भी जो बाहर से आता है वो आपका बैलेंस तो बढ़ा देता है, लेकिन अल्टीमेटली आप उसको बैंक में ही जमा करते हो। डीडी कोई आपके पास आता है उसको अल्टीमेटली बैंक में ही जमा करते हो, नोट्स एंड कॉइन्स में नहीं जोड़ लेते हैं उसको, वो कैश नहीं है। कहीं बाहर से चेक आया गवर्नमेंट ड्यूज का, तो गवर्नमेंट मनी है उसको, सरकारी खाते में जमा कराना है। डीडी आया, कोई DSE आ रहा है, वो सरकारी खाते में जमा कराते हैं, क्लियर। बैंक बैलेंस उससे बढ़ता है आपका, इमीडिएटली आपका कैश नहीं बढ़ता, लेकिन कोई पेमेंट करेंगे तो कैश पेमेंट तो यहाँ दिखाएंगे, यहाँ भी दिखाएंगे, यहाँ भी दिखाएंगे, लेकिन उसको चेक पेमेंट को यहाँ पे नहीं दिखाते। चलो आरए बिल आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब 1 से लेकर 5 कॉलम तक तो लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, यहां से शुरू करेंगे। ये डेट हो गई आपकी 6/12, पहुंचे नंबर हो गया 01, ठीक है जी। इसकी एंट्री आपको यहां करनी है, मैं पहले अमाउंट लिख देता हूं इसमें। अमाउंट हो गया आपका 3089 का, आपने चेक काटा और चेक नंबर नहीं दिया तो 01, और जो 8B की रिकवरीज है, 8B की रिकवरीज यहां पे 7,111, ठीक है जी, याद रखते हैं। अब डिटेल लिख देते हैं किस चीज का वो है, और इधर बाइफर्केशन दिखा देंगे 6/12 में। तो 6/12 में यहाँ पे बाइफर्केशन आ जाएगा 01, एक पहला वाउचर। चलो जी यहां क्या लिखेंगे, बाय पेमेंट टू जो भी कॉन्ट्रेक्टर का नाम है, कॉन्ट्रेक्टर टी, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, ठीक है। तो आपको वर्क का नाम भी पता चल गया, आरएबिल भी पता चल गया, ओके, और अमाउंट वगैरह सब मालूम है ही आपको। इसका हेड होता है जी 4216, कैपिटल हेड है कंस्ट्रक्शन के लिए 4216, ओके। 4216 के बाद डैश करके कैपिटल आउटले ऑन हाउसिंग, कैपिटल आउटले ऑन हाउसिंग, GRB, GPA, ओके जी, और कंस्ट्रक्शन 4216, कैपिटल आउटले ऑन हाउसिंग, GRB, GPA, कंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको लिस्ट दे रखी है हेड्स की, रिसीट साइड और पेमेंट साइड, उसमें भी आपको मिल जाएगा, राइट। ये मैं हटा देता हूँ, इसकी एंट्री हो गई।
अब ये जो आपके एनबी के जो रिकवरीज थी उनका बाइफर्केशन आपको यहां पर दिखाना, तो ये हो जाएगा टू रिकवरीज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर टी, ठीक है। और फर्स्ट एंट्री क्या दिखाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया 600 चार नंबर कॉलम में। ये कोई कैश रिसीट नहीं आई, ये सिर्फ एडजस्टमेंट है। जो नौ नंबर में आपने बाइफर टोटल दिखाया है अदर एंड की रिकवरीज का, उसका बाइफर्केशन दिखाना है, दैट्स ऑल। ना तो कैश पेमेंट हो रहा है ना कैश रिसीट आ रही, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी की हम डिटेल दिखाएंगे और ये नलीफाई हो जाएगा अल्टीमेटली जब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे 4-9 तो नहीं आएगा, इसके इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। चलो जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया आपका 600, उसके बाद हायर चार्जेस टू रिटर्न्स, इसका हेड लिख लो आप 8443, सिविल डिपॉजिट, पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। ये हेड आ गया इसका, इतना आपको लिखना है। सेकेंड एंट्री जो है आपके पास, सेकेंड एंट्री है आपकी हायर चार्जेस, हायर चार्जेस है आपके 100 रुपीज, ये आता है 0059, ओके जी, 0059 पब्लिक वर्क्स जनरल हायर टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक है जी, ये इसका हेड हो गया। उसके बाद एंट्री आपकी टूल्स एंड प्लांट्स, ये भी था आपका टूल्स एंड प्लांट्स लॉस्ट, थर्ड ले लो जी, टूल्स एंड प्लांट्स लॉस्ट, कितना जी 10 रुपए का टूल्स एंड प्लांट्स लॉस्ट हो गया। जो लॉस्ट हो गया आपका टूल्स एंड प्लांट्स वो किस में आएगा, वो भी 0059 में आएगा, रिकवरी उसकी 0059, ओके जी। पब्लिक वर्क जनरल, पब्लिक वर्क जनरल अदर रिसीप्ट, टूल्स एंड प्लांट्स लॉस्ट की एंट्री, जो रिसीप्ट आई है वो इस तरह से आई। एक और इसमें है क्योंकि हमने बुक वैल्यू दे रखी टूल्स एंड प्लांट्स लॉस्ट की, तो उसके साथ हम 10% सुपरविजन चार्जेस और काटते हैं, वो भी 0059 में ही जाता है, तो लास्ट एंट्री हो जाएगी आपकी सुपरविजन चार्जेस। जब बुक वैल्यू दे रखी होगी तो सुपरविजन चार्जेस लेंगे 10% ऑफ जो बुक वैल्यू आपको दे रखी टूल्स एंड प्लांट्स लॉस्ट, 1 रुपए ये भी होगा। 0059 डू भी कर सकते हैं सेम ही है वैसे तो, 0059 आपकी ये एंट्री सेम है ऊपर वाली, अदर सीट में ही ये भी आएगा, तो सेम हेड मिला के दोगे तो आपको 1 रुपए का हिसाब नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप अगर 11 रुपए लिख दोगे तब भी ठीक तो होगा क्योंकि 0059 में आ रहा है, लेकिन ये फंडा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 10% क्यों लिया, कहां से लिया। तो जब भी टूल्स एंड प्लांट्स लॉस्ट है उसमें आप रिकवरी कर रहे हो, और अगर बुक वैल्यू दे रखी है तो उतनी बुक वैल्यू का 10% आपको एक्स्ट्रा काटना है, और वो होता है सुपरविजन चार्जेस। बाई मतलब जो है डिफॉल्ट या मतलब बाई चांस इन दोनों के हेड सेम होते हैं, अदर रिसीट में आता है 0059 पब्लिक वर्क जनरल अदर रिसीट, ठीक है जी। तो ये सेम एंट्री इसमें बनती है, यहां पे आरए बिल की और कैश सैलरी बिल की कोई एंट्री नहीं होगी, तो यहां कोई एंट्री नहीं करेगी। चले आगे, ये एक एंट्री आपको मिल गई, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अब इसको मुझे हटाना पड़ेगा, आप बैक करके देख लेना इसको, ठीक है जी, नहीं हटा देते। नेक्स्ट एंट्री आपके पास है, ड्यू चेक टू रिप्लेनिश कैश टेस्ट। आपके पास कैश कम था, कैश टेस्ट में पैसा बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, एक चेक काटा, और ये चेक कौन सा होता है, बी कैटेगरी में आपको बताया सेल्फ चेक, ठीक है। सेल्फ चेक काटने का तरीका क्या है, जिस डेट में बुला गया है 7/10 में, कोई वाउचर नहीं, यहां आप लिखोगे बाय सेल्फ चेक, ओके जी, और सेल्फ चेक काटोगे कहां से, 11 नंबर से। तो चेक नंबर कुछ दे देंगे, 01 था आप 02 दे दो, 02, और अमाउंट हो गया आपका कितना, सॉरी 02 यहां आ जाएगा, चेक कितने का है जी 500 का, अमाउंट यहां पे आ जाएगा चेक का अमाउंट, और यहां पे आ जाएगा 8782 CR PWR सेकंड कैश फ्रॉम ट्रेजरी पब्लिक बैंक, ये इसका हेड होता है सेल्फ चेक का, ठीक है जी। 8782 रेमिटेंस, ठीक है, कैश रेमिटेंस, पब्लिक वर्क्स रेमिटेंस सेकंड, और कैश फ्रॉम ट्रेजरी पब्लिक बैंक, राइट। इसकी सेम एंट्री इधर भी होती क्योंकि ये पैसा आपने चेक काटा और पैसे लेके आए, तो पैसे लेके आएंगे तो यहां भी एंट्री होगी 7/10 में, ओके। ये हो गया टू सेल्फ चेक, इसमें कोई वाउचर की जरूरत नहीं होती, आपने चेक काटा और पैसे लेके आया दैट्स ऑल, तो ये 500 रुपए आपके यहां आ गए, सेम एंट्री यहां रिपीट हो जाएगा 8782 CR PWR सेकंड
कैश फ्रॉम ट्रेजरी ऑब्लिक बैंक, ये एंट्री हो गई। अभी पैसे तो आपके पास आ गए ना, बढ़ गए पैसे, आपने देखो चेक काटा, पैसे लेके आप आए और ये पैसा कैश में बढ़ गया है, तो कहां जोड़ देंगे ले जाके, यहां पे जोड़ देंगे। तो ये तारीख हो गई आपकी 12 की एंट्री, 7 दिसंबर, ठीक है जी। इसको भी ठीक कर लेना, इसमें भी शायद 10 रह गया, 7-12 की एंट्री, 7-12 में आपने प्लस कर लिया कितना जी, 500 रुपीज। इसको अगर आप 7-7 प्लस करते चलोगे तो आपको टोटल कभी मिलाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, 800 रुपए हो गए। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, समझ में आ गई बात, सेल्फ चेक काटा, ठीक है, सेल्फ चेक काटा 11 नंबर से, पैसे लेके आए और कहां जोड़ दिया, नोट्स एंड पॉइंट्स में जोड़ दिया, क्लियर, बस इतनी सी बात। 15-12 में अर्नेस्ट मनी रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रेक्टर बी एंड रिटर्न टू हिम ऑन द सेम डे एज स्टैंडर्ड वाज रिजेक्टेड। मैंने आपको टेंडर रिजेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था, अगर सेम डे रिजेक्शन कर देते हैं और जिस मोड में पैसा लिया उसी मोड में वापस कर देते हैं तो कोई एंट्री आपको नहीं करनी, ठीक है। 4-5 जो आपके पास हैं कोटेशन आएंगी, टेंडर आएंगे, उसमें से अगर सेम डे आप रिजेक्ट कर देते हो और वापस कर देते हो, जिस फॉर्म में आया उसी फॉर्म में वापस कर देते हो, तो आपको कैशबुक में कोई भी एंट्री नहीं करनी। हाँ, लेकिन अगर एक दिन भी आप रख लो उसको, तो फिर आपको कैशबुक में एंट्री करनी पड़ती है, कैश बॉक्स में रखना पड़ता है वो डीडी या चेक जो भी आपने मंगाया वो रखना पड़ता है। अगर आज रिसीव किया और कल वापस कर रहे हो तो भी रखना पड़ेगा, या मोड चेंज कर रहे हो तब भी रखना पड़ेगा। अगर आपने कैश लिया और चेक दे रहे हो तो भी चेंज मतलब आपको रखना पड़ेगा एक दिन, और उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन हमें एंट्री यहाँ पे जो मिलेंगी सेम डे रिजेक्शन वाली मिलेंगी, तो सेम डे रिजेक्शन में आपको एंट्री तभी करनी है जब मोड ऑफ पेमेंट जो है रिटर्न आपका डिफरेंट हो, कैश में लेके चेक में दे रहे हो या डीडी में लेके चेक में दे रहे हो, ठीक है, या किसी और फॉर्म में लेके चेक में दे रहे हो, तभी आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। तो इसमें कुछ नहीं बताया, इसका मतलब कैश दिया और कैश वापस कर दिया है, तो इसकी कोई एंट्री 15-12 की हम नहीं करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट एंट्री 20-12 की। 20-12 में एंट्री क्या है, रिसीव्ड कैश चलान फ्रॉम सब डिविजन ऑफिसर टी, ठीक है, रेमिटेड बाय हिम इनटू ट्रेजरी ऑन अकाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स और प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक बिल्डिंग। मैंने आपको बताया चलान के बारे में, आपका कोई सब डिविजन ऑफिस है, उसने आपके बिहाफ पे कुछ पैसा रिसीव किया और बैंक में जमा कराया, ठीक है जी, बैंक में जमा कराया, कोई दिक्कत नहीं, आपको चलान की रसीद दे दी उसने लाके, तो आप उसकी एंट्री करोगे मेन कैशबुक में। उसकी एंट्री बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे हमने खुद ही पैसा रिसीव किया है और खुद ही हमने बैंक में जमा कराया, उसका हम ये इफेक्ट यहाँ पे देंगे, हालांकि पैसा ऑलरेडी जमा हो चुका है, ठीक है। चलो जी, ये एंट्री आपकी 20-12 की, तो हम पैसा पहले रिसीव करेंगे फिर बैंक में जमा कराएंगे, यहाँ पे उसकी कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि हमारे पास पैसा एक भी दिन आया नहीं। ये आपकी तिजोरी है, अलमारी है जिसमें आपको रखना होता है चेक, डीडी, कैश, लेकिन अगर एक भी दिन आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, ठीक है। सेम डे पैसा आया और सेम डे बैंक में जमा भी हो गया, चलान की कॉपी आपके पास आ गई, आप सिर्फ उसका इफेक्ट दे रहे हो और कुछ नहीं। तो ये एंट्री होगी आपकी 20-12 की, 0 एक शायद हो चुका था दूसरी एंट्री क्योंकि पैसा आया आपके पास, रिसीट पहुंच, किस चीज का पैसा आया वो लिखेंगे, टू सेल प्रोसीड्स, ओके जी, टू सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रोड्यूस, राइट। और पैसा लिख देंगे यहां पे 4 नंबर कॉलम में, आप पैसा लिख देंगे कितना आया, 100 रुपीज, राइट, 100 रुपीज लिख देंगे। ये कहां जाएगा आपका, ये 0059 में जाएगा, क्लासिफिकेशन इसका 0059 पब्लिक वर्क चैनल और अदर स्कीम, ठीक है। इस चीज का पैसा आया है वो हमने एंट्री कर दी, है चलान और वो चलान सेम डे जमा भी हो चुका है, इस बार कोई वाउचर नहीं, ठीक है, बाय रेमिटेंस लिखो या बाय डिपॉजिट इनटू बैंक लिख दो, एक ही बात, बाय रेमिटेंस। रेमिटेंस हमेशा 9 नंबर कॉलम से करना, चेक आए, डीडी आए, कुछ भी आए, कैश आए, रेमिटेंस का मतलब ये 9 नंबर, 4 नंबर में पैसा आया हुआ है उसको 9 से नलीफाई करना है, मतलब बैंक में जमा करना है। आपके पास अब नहीं बचा पैसा, पैसा आया था आपकी, आपने लिया और उसको बैंक में जमा कर दिया, 9 नंबर से रेमिटेंस करना है। कैश तो हम 9 नंबर से कर देते हैं लेकिन हम जब चेक आता है तो हम 11 नंबर से करने लगते हैं गलती से। रेमिटेंस हमेशा 9 नंबर से होगा, कुछ भी चेक हो, डीडी हो, कैश हो, कुछ भी अब जमा करोगे जब बैंक में तो वो 9 नंबर से ही होगा, तभी आपका कैश बैलेंस मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। 100 रुपीज आए और आपने बैंक में जमा कर दिए, अब आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है, रेमिटेंस मतलब 9 नंबर, क्लियर। वो चेक हो, डीडी हो, जो भी हो, कुछ भी आपको बोलेगा जमा करने के लिए, दैट इज 9 नंबर। तो ये 100 रुपीज आपने जमा कर दिए, सेविंग इफेक्ट देना है खाली, पैसे ऑलरेडी जमा हो चुके हैं, यहाँ डैश, और ये रेमिटेंस कार्ड जो होता है वो होता है 8782, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा 8782 CR PWR 1 रेमिटेंस इनटू ट्रेजरी ऑब्लिक बैंक, ये हर क्वेश्चन में आपको रेमिटेंस का हेड मिलेगा,
8782 CR कैश रेमिटेंस पब्लिक वर्क्स रेमिटेंस फर्स्ट रेमिटेंस इनटू ट्रेजरी ऑब्लिक बैंक। ये दोनों क्या है, रेमिटेंस के ही हेड है, ये सेल्फ चेक के लिए यूज होता है, ये रेमिटेंस के लिए यूज होता है। सेल्फ चेक काट के हम पैसे घर लाते हैं और रेमिटेंस हम बैंक में जमा करने जाते हैं, रेमिटेंस इनटू ट्रेजरी, वो फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। क्या ये पैसे यहां आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, ये तो चालान आया था, रिसीट आई थी और सेम डे बैंक में जमा भी कर दिया मेरे जूनियर ने और मुझे खाली चालान की कॉपी दे दी, मैंने उसका इफेक्ट यहां दिखा दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ। इसमें कभी कभी क्या होगा कि आपको 20 तारीख को पता चला तो 20 तारीख को एंट्री कर रहे हैं लेकिन वो पैसा 16 को ही जमा हो चुका है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे उस केस में 20/16 बारह कर देंगे, दोनों इफेक्ट आ गए इसके। हम 20 को एंट्री दिखा रहे हैं कैशबुक में क्योंकि हम पहले से लिख चुके हैं, अब मेरे पास चालान आया, चालान 4 दिन पहले जमा हो चुका है, ठीक है, तो हम 20/16 दिखा देंगे, क्लियर, बस ये इतना सा ध्यान। उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपको 20 तारीख को एंट्री करने के लिए बोला जा रहा है, हाउएवर इट वाज रिसीव्ड ऑन 16, तो हम उसका इफेक्ट दे देंगे, क्लियर। चलो जी, ये समझ में आ गए। उसके बाद है जी टेम्पररी एडवांस, जो ओवरसीयर को हमने दे रखा था ओपनिंग बैलेंस में 200 रुपीज, उसने उसका हिसाब दिया है, तो हम उसके हिसाब का मतलब उसके खर्चे दिखाएंगे, उनके हेड बताएंगे, और टेम्पररी एडवांस और इंप्रेस दोनों कैश में चलते हैं तो उसके खर्चे कैश में ही दिखाएंगे, टेम्पररी एडवांस और इंप्रेस दोनों कैश पेमेंट ही होती है। उसके बाद हम उसको इमीडिएटली क्लोज करेंगे, क्लोजर के लिए एक रेड पेन एंट्री करेंगे, वो भी आप देखना, तो इसको हटा देते हैं, फिर एक टेम्पररी एडवांस की एंट्री आपको बताते हैं। चलो ये एंट्री है आपकी 24/12 की, 24/12 में आ जाओ जी, सॉरी 24/12 वाउचर नंबर जो भी चल रहा था उसमें प्लस कर लेना, वाउचर नंबर आपका जो चल रहा था उसमें प्लस कर देना, तो ये वाउचर 2 हो जाएगा बाय एडजस्टमेंट ऑफ टेम्पररी एडवांस ऑफ, ठीक है, ओवरसीयर, बाय एडजस्टमेंट ऑफ टेम्पररी एडवांस ऑफ ओवरसीयर, ठीक है। जब इंप्रेस की बात आएगी तो रिकूपमेंट लिखते हैं, बाय रिकूपमेंट ऑफ इंप्रेस्ट ऑफ सो एंड सो, राइट, ये बस लैंग्वेज है और कुछ खास नहीं। खर्चा जो हुआ है कैश में हुआ है तो 10/11 हमेशा डैश रहेगा, ठीक है जी। चलो जी पहली एंट्री हो जाएगी, इसमें कैश ने किया, पहली एंट्री जी मस्टर रोल पेमेंट, मस्टर रोल पेमेंट कैश में ही करिए, मस्टर रोल हो गया आपका 150, 10 में डैश 11 में डैश, और इसमें हेड दिया नहीं है तो हम लिख देंगे वर्क कंसर्न, जनरली आपको बताएगा मस्टर रोल पेमेंट फॉर द वर्क कंस्ट्रक्शन स्टाफ क्वार्टर्स, मस्टर रोल पेमेंट फॉर द वर्क कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल बिल्डिंग, वो बताएगा तो हम उसका हेड लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं बताया तो वर्क कंसर्न लिख के आप छोड़ सकते हैं। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री इसमें है कुली चार्जेस, कुली चार्जेस जनरली क्या है कि स्टॉक के लिए खर्च किए जाते हैं, जो हम कुछ स्टोर्स में सामान लेके आते हैं उसके लिए कुली चार्जेस पे किए जाते हैं, तो वो हमारा हेड है 2059, पीडब्ल्यूडी का जो मेन हेड है 2059, कैपिटल हेड हमारा 4059 है पीडब्ल्यूडी का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, और मतलब हम पीडब्ल्यूडी से रिलेशन में जो भी काम करेंगे 4059 कंस्ट्रक्शन, 2059 हमारा रेवेन्यू हेड है, इन दोनों को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग बना रहे हैं तो हॉस्पिटल का 4210, अगर हम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे 4216, इस तरह से कैपिटल हेड अलग अलग है, कोई हाईकोर्ट बिल्डिंग है ऑफिस बिल्डिंग है 4059, वो जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे खर्चे हैं सारे क्या है 2059, पीडब्ल्यूडी का जो रेवेन्यू हेड है दैट इज 2059, और उसमें भी अलग अलग स्टॉक के लिए अलग है, सस्पेंस के लिए अलग है, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मंथली अकाउंट में और थोड़ा सा बता दूंगा, कुली चार्जेस, चलो जी ये हो गए 25 रुपीज के कुली चार्जेस, यहां डैश इसका हेड हो जाएगा 2059 पब्लिक वर्क्स, ठीक है जी, पब्लिक वर्क्स जनरल सस्पेंस और स्टॉक, ये एक स्टॉक है 2059 में, सस्पेंस कहते हैं इसको भी, तो ये यूज होता है मटेरियल के लिए, कुली चार्जेस वगैरह जो भी हो इससे रिलेटेड स्टॉक खरीदने के लिए, तो हम वहां करते हैं। अच्छा थर्ड एंट्री है कैश लॉस्ट, कैश लॉस्ट एक होता है कि हमने बता दिया जी, रिपोर्ट कर दिया कि ओवरसीयर हैज रिपोर्टेड कैश लॉस, रिपोर्टेड का कोई मतलब नहीं, या फोन कर दिया कैश लॉस्ट हो गया, नहीं वो मतलब नहीं, जब आप कैश लॉस्ट हो गया तो आपको वाउचर के साथ में बताना पड़ेगा कि ये वाउचर लो जी और ये कैश इतना खो गया मेरे से, तो हम उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम कैश लॉस की एंट्री नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें एक लास्ट एंट्री आती है, एस्टन इंजीनियर एम रिपोर्टेड कैश लॉस, सिंपली एक एंट्री अलग से दे रखी,
उसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी। अगर कैश लॉस्ट हुआ भी है तो आपको वाउचर के साथ में जो आप हिसाब देने आ रहे हो तब बताना पड़ेगा, तभी हम उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलो जी, कैश लॉस्ट इतना 25 रुपीज कैश लॉस्ट हो गया। ये कैश लॉस्ट भी सस्पेंस में जाता है 2059 पब्लिक वर्क्स जनरल, ये दूसरा सस्पेंस है MWA मिसलिनियस वर्क्स एडवांसेस, या इसको आप लिख सकते हो MPWA, एक ही बात है, मिसलिनियस पब्लिक वर्क्स एडवांसेस। बहुत इंपॉर्टेंट सस्पेंस है, इस पे थ्योरी भी आती है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक वर्क सस्पेंस, ठीक है जी, MWA मिसलिनियस वर्क्स एडवांसेस, ये सस्पेंस है, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश लॉस्ट हो जाए आपका या और कुछ नुकसान हो जाए तो आप उसको यहाँ पे दिखाते हो, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेरी एडवांस कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन अब हिसाबबंदी का पैसे का हिसाब भी करना है, पैसे का हिसाब आप यहाँ आके करोगे, कहाँ गया टेम्परेरी एडवांस, 200 रुपए दिए थे, अब इसको एडजस्ट करना है हमें, ये तो खर्चा दिखा दिया हमने, यहाँ बाकी एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी। कुछ बचेगा तो उससे हम हाथ पकड़ के वापस ले लेंगे, तरीका ये होता है। मान लो इसने कितने अभी तो 200 रुपए खर्च कर दिए, मान लो इसने 150 किए होते, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ बाद में हटा दूंगा, जैसे मान लो इसने 150 खर्चा किए होते, 150 खर्चा किए होते, ये चीज नहीं होती तो हमें, तो 50 रुपए इसके पास बचते, वो 50 रुपए हम क्या करते हैं, इससे हाथ पकड़ के वापस लेते और इसको नलीफाई करके ये 50 रुपए ला के हम क्या कर देते हैं, यहाँ जोड़ देते, अगर 50 रुपए बचते तो, राइट, या उसने हिसाब न दिया होता तो, लेकिन उसने पूरा हिसाब दे दिया 200 का तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उसने ये भी खर्चा किया, ये खर्चा किया, लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हमने सस्पेंस बुक कर दिया, मतलब पैसा है नहीं अभी हमारे पास। अगर उसने 150 खर्चा किया होता तो 50 रुपए बचते, ये 50 रुपए हम उससे बाई हैंड वापस लेते, इसी तरह से दिखाते, तो ये माइनस हो गया, यहाँ यहाँ प्लस करते और बैलेंस बढ़ा देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमने पूरा खर्चा दिखाना, उसने पूरा आपको हिसाब दे दिया। तो इसमें क्या हुआ जी, डेट के हिसाब से, किस डेट में हुआ आपका, 24/12 में, तो 24/12 में आप यहाँ जाओगे और इसके ठीक सामने यहाँ आके क्या करोगे, -200 पूरा हिसाब उसने दे दिया, बात करना। अब ये क्लोजिंग बैलेंस में टेम्परेरी एडवांस ओवरसियर नहीं बचा, आप इसको नहीं लेंगे, क्यों, खत्म हो गया, जो आपने यहाँ दिखाया था उसका हिसाब हो गया। जब भी कोई कैश पेमेंट या कुछ इस तरह की एंट्री होगी यहाँ जरूर आएगी, तभी तो एडजस्ट होगा। लास्ट में जब आप 4-9 करोगे, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे 4-9 करके, तो इसका भी तो टोटल निकालोगे, यहाँ उसकी डिटेल आपको मिलेगी, तो यहाँ जितने कॉलम में पैसा बचा होगा उनको सबको टोटल कर देना, वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होगा, क्रॉस टैली हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4-9 में क्लोजिंग बैलेंस कुछ और है और इनका सबका जो टोटल आएगा लास्ट में उसका वैल्यू कुछ और है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो बैलेंस बचेगा यही क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो अब इसमें आपने खर्चा कर दिया 200 यहाँ से माइनस कर दिया, नलीफाई कर दिया, अब यहाँ बैलेंस नहीं दिखेगा, ठीक है, खत्म हो गया हिसाब। जैसे ही टेम्परेरी एडवांस का हिसाब मिलता है हम इसको क्लोज करते हैं, मैंने आपको बताया था वन टाइम होता है, टेम्परेरी होता है, इंप्रेस परमानेंट होती है। तो जैसे ही इसको आपने खत्म किया, वो चल लिए, पैसे वापस लिए अगर लेने हैं तो, नहीं तो पूरा खर्चा कोई बात नहीं, इमीडिएटली इसको क्लोज करते हैं। तो एक क्लोजर की एंट्री आपको रेड पेन से करनी होती है, ठीक है, उसी डेट में। तो ये हो गया आपका 24/12 में, ओके, यहाँ पर अटैच कर दो और एक रेड पेन से इसकी एंट्री कर दो। रेड पेन एंट्री की खास बात है, 4 नंबर में कुछ नहीं आएगा, 5 नंबर में कुछ नहीं आएगा, ये खास बात है, रिमार्क्स एंट्री होती है। अगर इधर हम रिमार्क्स एंट्री करेंगे तो सिर्फ 8 नंबर में आएगी, 9, 10, 11, 12 में कुछ नहीं आएगा, क्लियर। रेड पेन सिर्फ आपका 8 में चलेगा और यहां पे चलेगा तो 3 में चलेगा, राइट। चलो, टू क्लोजर ऑफ टेम्परेरी एडवांस ऑफ ओवरसीयर, ठीक है, अब उसका हिसाब बता दो, क्या दिया उसने, मस्टर रोल पेड, इनर कॉलम में ही अमाउंट भी लिखना है, 4 नंबर में नहीं जाना, सेकेंड में क्या है जी, कूली चार्जेस 25 रुपीज, ठीक है जी। थर्ड हो गया कैश लॉस्ट 25 रुपीज, ठीक है जी, टोटल हो गया 200, पूरा हिसाब बता दिया क्या आपको, ये एंट्री आपको करनी है। जब भी टेम्परेरी एडवांस क्लोज होगा, टेम्परेरी एडवांस का खर्चा और क्लोजर की एक एंट्री, रेडिंग एंट्री, दैट्स ऑल, और यहाँ हिसाब इसका खत्म कर देंगे, क्लियर है। चले हम भी, चलो ये भी हटा देते हैं। इसके बाद एक और एंट्री आएगी आपकी, हर क्वेश्चन में टेम्परेरी एडवांस आपको मिलेगा, कहीं बैलेंस मिल सकता है, कहीं नहीं भी मिलेगा, ये मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूं, तो नेक्स्ट एंट्री यहीं पर हो जाएगी। चलो, नेक्स्ट एंट्री आपकी, ग्रांट ऑफ परमानेंट इंप्रेस टू ओवरसीयर बाय चेक, ठीक है जी, ये एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री है कि आपने ओवरसीयर को क्या किया, इंप्रेस दी लेकिन बाय चेक दी। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि चेक दी तो चेक काट के दे दो, उसको चेक से पेमेंट, उसके नाम से चेक नहीं कटेगा, ये चेक का मतलब है कि सेल्फ चेक कटेगा, बी कैटेगरी का एक चेक काटा जाएगा और उसको कैश ला के दिया जाएगा। टेम्परेरी एडवांस और इंप्रेस्ड हमेशा कैश में डील होते हैं, लेकिन लिखा है उसने चेक से, गिवन ग्रांट ऑफ परमानेंट इंप्रेस्ड ओवरसीयर बाय चेक,
चेक का मतलब सेल्फ चेक से, बी कैटेगरी का एक चेक काटो, ये चेक काटो मतलब बाय सेल्फ चेक टू सेल्फ चेक की एंट्री करो और उसके बाद जो पैसा आएगा वो लाके उसको यहाँ पे ग्रांट कर दो और उसकी एक राइट मैन एंट्री कर दो कि हमने उसको ग्रांट कर दिया, एक राइटिंग एंट्री और हो जाएगी। चलो जी, तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने चेक लिखा है इसलिए हम सेल्फ चेक काटेंगे, अदरवाइज 200 रुपए देने थे हम यहां से भी दे सकते थे, 800 रुपए आपके पास थे इसमें से 200 रुपए दे सकते थे, कुछ नहीं बोलेगा तो यहीं से देंगे, यहां से माइनस करके और यहां पे एक राइट मैन एंट्री कर देंगे, दैट्स ऑल। अगर कुछ नहीं बोला होता तो हम क्या करते, यहां से 200 माइनस करते, ठीक है, जिसको 600 दिखाते, यहां लिखते बाय ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंटरेस्ट टू सो एंड सो, दैट्स ऑल, खत्म हो जाती एंट्री। लेकिन उसने कहा नहीं, ये वाला पैसा यूज नहीं करना, आप इसके लिए चेक काटो अलग से, तो सब चेक काट देंगे उससे पैसा दे देंगे। तो ये एंट्री हो गई आपकी 27/12 की, जीरो सॉरी इसमें कोई जरूरत नहीं, बाय सेल्फ चेक, बाय सेल्फ चेक, ठीक है जी, ये डैश हो गया। इसमें सेल्फ चेक का नंबर क्या, चेक का नंबर क्या चल रहा था वो देख लो, इसमें 3 आ जाएगा और 200 रुपए का आप चेक काट दो, ठीक है जी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको थोड़ा कैश थोड़ा चेक दे दो, नहीं, अगर वो चेक बोलेगा तो पूरा चेक, कुछ नहीं बोलेगा तो पूरा कैश, ये ध्यान रखना। और मान लो अगर आपके पास पैसा नहीं है, से 1000 रुपए की इंप्रेस देनी थी, आपके पास 800 रुपए है, आपको 1000 रुपए की देनी, अब क्या करोगे, फंस गए, उसने कहा है कि हमें कैश, कुछ नहीं बताया आपको कैश देना है, उस केस में भी आपको चेक काटना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि 800 रुपए, बात समझ में आ रही, अगर उसको 1000 रुपए इंप्रेस हमें देनी होती तो, और कुछ ना बताया होता कि चेक से काटो, साइलेंट होता कि ग्रांट ऑफ इंप्रेस टू सो एंड सो, दैट्स ऑल, तो आप मेरे हिसाब से क्या करते, 800 रुपए का 1000 रुपए नहीं दे सकते यहां से, तो फंस जाते हो, कैसे दें। तो अगर आपके पास पैसे पूरे नहीं है तो भी आपको चेक काटना है, चेक 200 रुपए का नहीं काटना है, पूरे 1000 का काटना है, ये भी ध्यान रखना, एक ही हिसाब रखना, बैलेंस का चेक नहीं काटना है। अगर 1000 की बात आती तो चलो, यहां नहीं है सर, बाय सेल्फ चेक 200, हेड मैंने आपको बताया 8782 CR VWR सेकंड, कैश फ्रॉम ट्रेजरी ऑब्लिक बैंक, ये एंट्री हुई थी, सेम एंट्री यहां होगी, ये हो गया 27/12 में, ओके जी, कोई वाउचर नंबर नहीं, टू सेल्फ चेक और 4 नंबर में इसका अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 200, हेड वही सेम रहेगा 8782 CR VWR सेकंड, कैश फ्रॉम ट्रेजरी पब्लिक बैंक, राइट, मतलब हमने चेक काटा, पैसे आ गए आपके पास, ओके, अब पैसे किसको देने, ओवरसीयर को देने, ओवरसीयर को दे देते हैं, तो इंटरेस्ट ओवरसीयर, वो ऑब्लिक एस कर दिया मैंने, ओवरसीयर इंटरेस्ट किसको दी, ओवरसीयर को, कितनी दी थी 200 रुपए, 200 रुपए इसके खाते में कहां चढ़ाऊंगा, 27/12 में, 27/12 में आ जाओगी, 27/12 के सामने मैंने 200 रुपए इसको अब दिए, ओके, ऐसे दिए ना, चेक काट के सेल्फ चेक काट के पैसे लाए, ये आ गए देखो पैसे, कैश आ गया, और वो कैश हमने किसको दे दिया, इसको दे दिया, ओके, हम ये भी कर सकते थे कि कैश पहले कैश में जोड़ते, 1000 करते इसको, फिर 200 माइनस करके देते, एक ही बात है, मतलब इसको 200 को पहले यहां लाओ क्योंकि सेल्फ चेक काटा है, पैसे बढ़ गए, वो भी एक ही बात है, या डायरेक्ट आप यहां 200 चढ़ा दो, वो भी एक ही बात है, मतलब 200 ही आए, आपने 800 प्लस 200 1000 किया, फिर 1000 में से 200 निकाल के माइनस करके यहां चढ़ा दिया, वो भी एक ही बात है, क्लियर। तो ये समझ लो, ये सेल्फ चेक काटा है, ये पैसे आए और पैसे उसके खाते में चढ़ा दिए, राइट। एक इसमें और रिमार्क्स एंट्री और होती है जो आपको यहां पे करनी है सेम डे में, वो हम रेड पेन से करेंगे, जब भी टेम्परेरी एडवांस इंप्रेस दिया जाता है तो एक रेड पेन से एंट्री 8 नंबर में कर जाती है, बाय ग्रांट ऑफ इंप्रेस्ट टू ओवरसीयर रुपीज 200, क्योंकि सेल्फ चेक काटा इसलिए बाय चेक, ओके जी, क्योंकि सेल्फ चेक काटा इसलिए बाय चेक, क्लियर, अदरवाइज चेक नहीं लिखते, यहां पे चेक नहीं लिखते, सिंपली बाय ग्रांट ऑफ इंप्रेस टू ओवरसीयर रुपीज इतना। चलो, 27/12 की एंट्री आपके पास हो गई थी, 27/12 में हमने परमानेंट इंप्रेस दिया था ओवरसीयर को और उसकी एक राइटिंग एंट्री करी थी यहाँ पे, राइट, और उसने बोला बाय चेक देना है, तो मैंने बाय सेल्फ चेक टू सेल्फ चेक किया और एक रेड पेन से एंट्री कर दी, बाय सेल्फ चेक टू सेल्फ चेक मतलब ये चेक काटा, ये पैसे आए और ये पैसे उसको अलॉट किए और उसके बाद एक राइटिंग एंट्री कर दी, रिमार्क्स एंट्री की, बाय ग्रांट ऑफ इंप्रेस टू ओवरसीयर सो एंड सो, ओके, बाय चेक इसलिए लिख दिया क्योंकि उसके लिए आपको एक सेल्फ चेक काटना पड़ा। अब नेक्स्ट एंट्री आती है 28/12 में, 28/12 में क्या हुआ जी, डिमांड ड्राफ्ट ऑन यूनाइटेड कमर्शियल बैंक रुपीज 500 रेमिटेड इनटू ट्रेजरी बट रिसीव्ड बैक डिसऑनर्ड। हुआ क्या, ये जो चेक था ये हम लेके गए 28 तारीख को, यहां से देखो 28 तारीख,
ये चेक लेके गए हम यहां से निकाल के बैंक में जमा करने, तो यहां से खत्म हो गया चेक डीडी जो था आपका। ये बैंक में रेमिट करने गए और रेमिट करने गए, अभी ये कहां पे हमारे पास, ये ओपनिंग बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस का मतलब चार नंबर कॉलम में एडअप है, ठीक है, चार नंबर कॉलम में। अभी ये जमा नहीं हुआ था, जमा होता तो नौ नंबर में एंट्री कर देते, राइट। लेकिन जब हम ये लेके गए बैंक में, अभी नौ नंबर में कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ चार नंबर में प्लस एंट्री है इसकी। तो हम जब यहां से निकाल के लेके गए, राइट, और बैंक वालों को बोला कि इसको जमा कर लो, बैंक ने सेम डे रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं इसकी एंट्री नहीं हो सकती, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये डिसऑनर होता है। तो डिसऑनर होता है तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम वापस आएंगे और यहां पे जहां पे प्लस था वहां से भी माइनस कर देंगे। नौ में तो ऐड हुआ ही नहीं तो नौ की एंट्री तो होगी नहीं, जहां पे प्लस था वहां से भी हम माइनस एंट्री कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे 500 रुपीज, ठीक है, डिसऑनर होके बात खत्म। तो ये क्या हो गया, ये एंट्री होगी आपकी 28/12 की टू डिसऑनर ऑफ डीडी, बस 500 रुपीज। और एक किस चीज का पैसा था वो देख लो, वो आपको ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है, डीडी ऑफ यूको बैंक है, यूनियन कमर्शियल बैंक रिसीव ऑन प्रोविंस ऑफ लाइसेंस फीस ऑफ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है आपको। सिक्स एंट्री है, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ यूको बैंक, किस चीज का पैसा था वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो 0216 का पैसा था जी रेसिडेंशियल क्वार्टर्स का, ओके, 0216 हाउसिंग जीआरबी जीपीए, ओके, लाइसेंस फीस के पैसे का डीडी था जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस में आया हुआ था, उसको हम लेके गए 28 तारीख को जमा करने, पूरा महीना वेट किया, 28 को जमा करने गए, सेम डे बैंक ने कहा नहीं है तो रिजेक्टेड है, डिसऑनर्ड है, इसको ले जाओ वापस, ले आए हम। तो जहां प्लस था वहां से माइनस कर दिया, और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री कहां, सिर्फ चार में माइनस किया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास एक दिन रखा रहा हो, आप बैंक में जमा करे आए, बैंक में जमा करके वापस आ गए, अगले दिन बैंक ने कहा कि ये जो है डिसऑनर होता है, तो तब डिसऑनर होगा, तो हम यहां भी माइनस करेंगे, यहां भी माइनस करेंगे। अगर यहां प्लस एंट्री हो चुकी है तो हम यहां से भी माइनस करेंगे, अदरवाइज सिर्फ यहां माइनस करेंगे। तो डीडी सेम डे डिसऑनर होगा, इसका मतलब यहां प्लस हुआ ही नहीं तो माइनस भी यहां से नहीं होगा, सिर्फ चार नंबर से माइनस होगा, दैट्स ऑल। चलो ये डीडी डिसऑनर की एंट्री होगी। एक लास्ट एंट्री और है, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस में ये नहीं आएगा, खत्म हो गया, डिसऑनर हो चुका है। कैश रेमिटेंस, सॉरी 29th में पेमेंट ऑफ सर्विस पोस्ट सिस्टम बाय चेक, चेक से ही होता है, तो एक वाउचर और पड़ जाएगा आपका सर्विस पोस्ट सिस्टम का। देखो जी क्या है, सर्विस पोस्ट सिस्टम की एक एंट्री 29/12 में, और ये हो गया आपका वाउचर नंबर, वाउचर नंबर नेक्स्ट कर लो, गया वाउचर नंबर 3 हो गया, बाय परचेज ऑफ या बाय पेमेंट ऑफ सर्विस पोस्ट सिस्टम, सर्विस पोस्ट सिस्टम, क्लियर। चेक काटेंगे तो 9 में डैश हो जाएगा, 10 नंबर में जो चेक सीरीज चल रही थी 3 चल रही थी, 4 कर लो इसको, और यहां भी कितने का हो जाएगा जी 200 रुपीज का, 2059 पब्लिक वर्क्स, ठीक है, जनरल डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस, ये जनरल हेड है हमारा 2059 पीडब्ल्यूडी का, उसमें डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन कोई सैलरी होगा तो डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की बात सैलरी, ठीक है, हम सैलरी जब पे करेंगे तब ईसीएड से करेंगे, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेड यही है। पोस्ट सिस्टम आपने चेक काट के पोस्ट सिस्टम ले आए, यहां पे चेक बॉक्स में कैश बॉक्स में कोई इसकी एंट्री नहीं होगी, क्लियर। चलो जी इसके बाद लास्ट एंट्री आपकी है इसमें 31st को कैश रेमिटेड इनटू ट्रेजरी, उसने कहा कैश रेमिट कर दो, ठीक है रेमिट कर देते हैं 31/12 में, बाय रेमिटेंस या बाय डिपॉजिट इनटू बैंक, बाय रेमिटेंस, रेमिटेंस हमेशा नॉम में होएगा, वो चेक हो डीडी हो कैश हो कुछ भी हो डीएसआर हो, रेमिटेंस हमेशा यहां से होगा, रेमिटेंस कभी भी 11 से नहीं होगा, 11 में सिर्फ पेमेंट के चेक काटते हैं उसकी एंट्री होती है। चलो जी कितना पैसा उसने बताया 800 रुपए, तो 800 हम यहां से निकालेंगे पहले 31/12 में, यहां से माइनस 800 करेंगे, यहां बैलेंस खत्म हो गया आपके पास, और ये 800 ले जाकर बैंक में जमा कर देंगे, जितना बोलेगा उतना जमा कर देंगे। हेड मैंने आपको बताया 8782 CR PWR फर्स्ट रेमिटेंस इनटू ट्रेजरी पब्लिक बैंक, आपको जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें भी दिया हुआ है 8782 CR PWR पब्लिक फर्स्ट रेमिटेंस इनटू ट्रेजरी पब्लिक बैंक, क्लियर। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, अब आपको क्या करना है जी इनका टोटल करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस है आपका, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 5 रुपीज बचे हुए हैं, यहाँ पे 1000 रुपए बचे हुए हैं, यहाँ पे 100 रुपए बचे हैं, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, और ओवरसीयर को आपने कितना दिया था, सॉरी 200 दिया था ओवरसीयर को,
27/12 की एंट्री थी, वो रह गई थी 200 रुपए की, 24/12 की, तो 200 रुपए आपने ओवरसीयर को ग्रांट कर रखे, वो भी यहाँ आ जाएगा। टोटल कितना हो गया जी, 1012 1305 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 1305। सेम वैल्यू आपकी यहां भी आनी चाहिए, जब हम 4-9 करेंगे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ओके चलो इसको टोटल करते हैं। आपको यहां क्या करना है, 4 का टोटल करना है, 9 का टोटल करना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे टोटल, जो भी 4 में एंट्रीज थी, ठीक उसके सामने यहां टोटल 8 नंबर में, और डेट डाल के यहां पे 31/12 में, जो 31/12 की एंट्री सेलिंग थी, बाय क्लोजिंग बैलेंस, हमेशा इधर ही आएगा क्लोजिंग बैलेंस, बाय क्लोजिंग बैलेंस। 4 का टोटल मैं आपको बता देता हूं, 4 का कितना आएगा, पहले 4 को ही आपको टोटल करना है, तो 4 का टोटल आपके पास आएगा 3116। इसी को यहां कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 3116, उसमें से 9 की एंट्री जो थी वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1305, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका, 4-9 से जो वैल्यू आएगी वही इन सारे कॉलम्स की टोटल की वैल्यू आएगी, वही क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो ये क्रॉस टैली होना बहुत जरूरी है। इससे आपको डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, जो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस 4-9 आपने निकाला, अच्छा 11 को जस्ट आपको क्या करना है, टोटल करना है, 11 को टोटल करना है, ये मंथली अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी। 11 का टोटल मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली टोटल करके छोड़ देना है, ये हो जाएगा 3989 जो आपने चेक काटे हैं, उसका रेमिटेंस आपको मंथली अकाउंट में करना होता है, तो 3989 11 नंबर का टोटल है, क्लियर, इतना करके छोड़ देना। अब ये जो 1305 आया है, ये है क्या, इसमें क्या क्या है, तो वो आपके पास डिटेल है, सारी डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस आपके पास वर्की शीट में है, ये इसको सजा के लिख देना है, कहीं और से लाने की जरूरत नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको सब दिया हुआ है, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वो दे देते हैं, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख दिया, लेफ्ट साइड में डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख देंगे, क्या क्या है डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, रेवेन्यू स्टैम्प है आपके पास, 4 में लिख दो 5 रुपए, सेकेंड है आपके पास BACR पड़ी हुई है, जैसे आपको सजा के दिया गया था ना ओपनिंग बैलेंस, वैसे ही आपको नेक्स्ट मंथ के लिए भी देना है, नेक्स्ट मंथ के लिए भी लिखना है 1000 रुपीज, जैसे आपने उसमें किया था कॉन्ट्रेक्टर ले जाऊ, फेस्टिवल एडवांस का कुछ पैसा पड़ा है, रिफंड ऑफ फेस्टिवल एडवांस था, वही लिख दो, रिफंड ऑफ फेस्टिवल एडवांस कितना था, 100 रुपीज, और क्या था जी, DD खत्म, ये खत्म, इंटरेस्ट एक आपने दे रखी है, इंटरेस्ट ओवर सीयर को आपने दे रखा है 200 रुपीज, टोटल 1305, ठीक है जी। यहाँ वर्ड्स में भी लिख देना, रुपीज This only as the executive engineer. वैसे तो यहाँ पे डिवीजन ऑफिसर आना चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी लिख सकते हो, SD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इतना करके छोड़ना। सर्टिफिकेट जो देना है आपको यहाँ पे देना है, राइट साइड में 8 से लेके आप 11 तक लिख सकते हो, पूरा एक सर्टिफिकेट देना होता है। सर्टिफिकेट में ये बताना है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, पैसे क्या है, जो आप काउंट करोगे, जो चेक करेगा आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसका सर्टिफिकेट देगा, पैसे काउंट कितने करोगे, जो आपके हाथ में होंगे वही तो गिनोगे, जो किसी थर्ड पार्टी के पास है वो थोड़ी गिन पाओगे, तो इसमें क्या गिन पाओगे आप, रेवेन्यू स्टैम्प है, हाँ है, DACR आपके हाथ में है, ठीक है जी, फेस्टिवल एडवांस का पैसा पड़ा है, ठीक है जी, इंप्रेस्ड और टेम्परेरी एडवांस आपके हाथ में नहीं है, आपने ओवरसीयर को दे दिया या AE को दे दिया, JE को दे दिया, वो आपके हाथ में तो नहीं है, वो पैसा हम गिन नहीं सकते, तो जो पैसा गिन नहीं सकते उसका सर्टिफिकेट नहीं देते, ठीक है, तो इसमें से थोड़ा पैसा कम हो जाएगा, कौन सा कम होएगा, जो टेम्परेरी एडवांस इंटरेस्ट का पैसा होएगा, जो हमारे हाथ में अभी नहीं है फिलहाल, किसी और को अलॉट कर रखा है, तो वो पैसे का सर्टिफिकेट हम नहीं देते, तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द कैश हैज बीन काउंटेड on this day, that is 31st December, okay, along with sub cash test
एंड पाउंड रुपीज कितना, ये माइनस कर दो, सिंपलेस्ट कर दो सर, 200 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 1105, ठीक है जी, 1105 का हम इसमें सर्टिफिकेट दे देंगे। रुपीज 1105 ओनली, ठीक है जी, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, ये आपको सर्टिफिकेट देना, कुछ नहीं है, हम ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि हमने कैश काउंट किया लॉन्ग विद सब कैश चेस्ट और इतना पाया गया पैसा जो करेक्ट है, दैट्स ऑल, यही लिखना है एस डी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है, क्लियर। ये छोटा क्वेश्चन था और एक दो क्वेश्चन और कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कैसे कैसे लिखना है। आपको इसमें भी फ्लो पकड़ना है, ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं, डिटेल्स कैसे बनती है, वर्किंग शीट में से डिटेल बनती है आपकी, ये आपको अलग शीट में बनाना है, ये मेन आपको जो है कैश बुक मिलेगी, ये एक रफ कागज मिलेगा उस पर बनाना वर्किंग शीट, बाद में दोनों को अटैच कर देना, ठीक है जी, या जो कॉपी मिलेगी उसमें बना लेना, उसमें लिख देना वर्किंग शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, जनरली वन ही मिलेगा क्वेश्चन, वर्किंग शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, ये लिख देना बस, तो इसके साथ अटैच माना जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, थैंक यू।